हेलो एवरीवन, जैसा कि हमें रिक्वेस्ट आई थी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग चैप्टर 8 पढ़ाने के लिए, तो आज हम वहीं शुरू करेंगे जहां हम उसका ओरिजिन, डेवलपमेंट और उसके मेन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन आर्ट मुगल एम्पायर तक अपने गोल्डन एरा में था, बट 1857 के म्यूटनी के बाद जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल शुरू हुआ, इंडियन आर्ट ऑलमोस्ट डेड एंड पे पहुँच गया और छोटे छोटे फ्यूडल स्टेट्स जिनमें इंडियन आर्ट ज़िंदा थी उनमें भी ब्रिटिश रूल आने के बाद आर्ट जो है, आर्ट फॉर्म्स वो ख़त्म होने लग गए। इसी बीच ब्रिटिश ने हमें कल्चरल पॉइंट पर डीमोरलाइज करने के लिए एक प्रोपागेंडा के तहत बॉम्बे, मद्रास और कैलकटा में आर्ट स्कूल्स सेटअप किया। ठीक है, सो अब यहाँ से इनके जिस ईयर में सेटअप हुआ वो ईयर भी याद कर सकते हैं, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे आपके आंसर राइटिंग के लिए। सो मूविंग अहेड, जिससे हमारे एजुकेटेड इंडियंस को ये बिलीव दिलाया गया कि इंडियंस का कोई खास कल्चरल हेरिटेज या स्पेशलिटी नहीं है। इस पॉइंट पे जब हमारे लोग एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे थे, तभी कुछ आर्टिस्ट आगे आए और उन्होंने लोगों को हमारे इंडियन आर्ट के रिच हेरिटेज और हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के बारे में बताकर कॉन्फिडेंस लाना शुरू किया। इनमें से कुछ एक्टिविस्ट जो थे वो थे राजा रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस एंड जामिनी रॉय। तो इन लोगों को गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कैलकटा के प्रिंसिपल ईबी हावल का सपोर्ट भी मिला, जिन्होंने वेस्टर्न आर्ट पेंटिंग्स को कॉलेज से हटा के वहाँ इंडियन आर्ट पेंटिंग्स लगाई। उन्होंने अबिंद्रनाथ टैगोर को उस आर्ट स्कूल का वाइस प्रिंसिपल बनाया और उसके साथ ही उन्हें इनकरेज किया कि वो मुगल और राजपूत पेंटिंग्स को स्टडी करें और लोगों को अवेयर कराएं हमारे इंडियन आर्ट की ग्लोरी के बारे में। उन्होंने अबिंद्रनाथ टैगोर ने दो जापानीज विजिटर्स से वाटर कलर की टेक्निक सीखी और उसे यूरोपियन वाटर कलर की टेक्निक से मर्ज करके, मिक्स करके एक नई टेक्निक बनाई जिसे हम आज वॉश टेक्निक के नाम से जानते हैं। ये वॉश टेक्निक बंगाल आगे जाकर के बंगाल स्कूल का हॉलमार्क बन गई। साथ ही इसने ट्रेडिशनल टेम्परा मेथड का भी एंड कर दिया। उनके साथ धीरे धीरे रविंद्रनाथ, डॉक्टर ए के कुमार स्वामी, ज्ञानेंद्रनाथ, सिस्टर निवेदिता और बहुत सारे आर्ट लवर्स जो हैं, इन लोगों ने मिल करके सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की 1907 में। इस बात में उन्हें पहली सक्सेस तब लेडी हैरिंगम को ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन के साथ काम कर रहे नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, समरेंद्र गुप्ता, इन लोगों को अजंता और जैसे आर्टिस्ट जो हैं, इन लोग ये आर्टिस्ट की अजंता और बाग केव्स से कॉपी की हुई पेंटिंग्स वाइडली पब्लिश हुई जिससे इंडियन आर्ट की काफ़ी प्रशंसा हुई और उनको बहुत प्रेजल मिला और इस वजह से और भी आर्टिस्ट का इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ने लगा। इंडियन आर्ट की तरफ और भी आर्टिस्टों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ने लगा। इन सबसे इंस्पायर होकर बंगाल की कुछ आर्टिस्ट ने एक नई पेंटिंग स्टाइल को बर्थ दिया जिसमें अजंता, बाग, राजपूत और मुगल आर्ट जैसी इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के का इन्फ्लुएंस था। इसी तरह जन्म हुआ स्कूल बंगाल स्कूल का, जिसने मॉडर्न इंडिया के आर्ट मूवमेंट में इनिशिएटिव रोल प्ले किया। धीरे धीरे ये मूवमेंट पूरी इंडिया में स्प्रेड हो गया और दिल्ली, पंजाब, गुजरात, ये जो जगह है इनमें स्पेशल आर्ट सेंटर्स बनाए गए। इसी तरह नंदलाल बोस और
देवी प्रसाद रॉय चौधरी, के वेंकटप्पा, असित कुमार हलदार, ए आर जुगताई, रवि शंकर रावल, और ये लोग जो है, इन लोगों ने, इनके जैसे आर्टिस्ट ने, के एक्सपेरिमेंट्स ऑफ और एफर्ट्स ने इंडियन आर्ट को एक नया जन्म दिया। बंगाल पेंटिंग की बात करें तो उनमें अजंता और बाघ का इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। उनमें अजंता जैसा ही ग्रेस और रिदम है। इनमें यूज्ड कलर पैटर्न्स और वॉश टेक्निक्स का एसेंस है, और यही उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इसके बाद आपको फीचर्स ऑफ बंगाल पेंटिंग पढ़ना होगा। फीचर्स ऑफ बंगाल पेंटिंग में क्या था, बंगाल आर्टिस्ट जो है उन्होंने बंगाल पेंटिंग को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दिया, सेंस ऑफ जो जो आर्ट मूवमेंट चल रही थी इंडिया में, उसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दिया। इसी के साथ बंगाल के आर्टिस्ट जो हैं वो उन्होंने अडॉप्ट किया जापानीज़ वाटर कलर टेक्निक को, और उसको मर्ज करके यूरोपियन टेक्निक के साथ वॉश टेक्निक बनाया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस पीरियड में ड्यूरिंग ऑल टाइप्स ऑफ पेंटिंग इंक्लूडिंग रिलीजियस, सोशल और हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बर्ड्स और एनिमल्स या लैंडस्केप्स की भी पेंटिंग की गई, और इनमें जो यूज़ किए गए कलर थे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। उनमें शेडो कलर्स जो यूज़ हुए वो बहुत सॉफ्ट थे, विदाउट शेडो, और कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव देने वाले एक मिस्टिक सेंस को दिखाने वाले थे। और इसी तरह बंगाल पेंटर्स जो हैं उन्होंने लीनियर डेलिसी, रिदम और ग्रेस, अजंता की ग्रेस को इंट्रोड्यूस किया अपनी पेंटिंग्स में। यही कुछ फीचर्स हैं, आपको मेनली फीचर्स ही याद रखने हैं, और एक दो नाम आप याद रखिए आंसर राइटिंग के लिए तो इट विल बी गुड इनफ। अदर देन दैट आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर किसी और लेसन के लिए, किसी और चैप्टर के लिए वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और मैं तहे दिल से आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के इतने डिले के लिए। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक करें प्लीज़, नहीं आए तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।